सुशांत सिंह की लास्ट फिल्म दिल बेचारा डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। मैं इस फिल्म का रिव्यू नहीं करूंगा, बस यही कहूंगा कि बॉलीवुड ने क्या खोया है उसका शायद ही कोई सही सही आकलन कर पाए। दिल बेचारा भले ही हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म द फॉल्ट्स इन अवर स्टार्स का ऑफिशियल एडप्टेशन है, पर दिल बेचारा एकदम बॉलीवुड स्टाइल में बनाई गई फिल्म है जिसमें रोमांस है, थोड़ा सा ड्रामा है और बहुत सारा इमोशन है। दिल बेचारा को फेमस कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने डायरेक्ट किया है और म्यूजिक दिया है ऑल टाइम ग्रेट म्यूजिशियन AR रहमान ने। दिल बेचारा का एक डायलॉग है, जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। बस यही पूरी फिल्म की थीम है। कहानी जमशेदपुर की किजी बसु की कहानी है जो कैंसर से लड़ रही हैं और लगभग जिंदगी से हार चुकी हैं, पर उनकी जिंदगी पूरी तरह से तब बदल जाती है जब उनकी जिंदगी में मैनी नाम के एक मस्त मौला लड़के की एंट्री होती है जो भले ही डिसेबल है पर जिंदगी को हर पल कैसे जीना है वो अच्छी तरह से जानता है। मौत से लड़ते लड़ते कैसे किजी और मैनी एक दूसरे के करीब आते हैं और अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, बस इसी की कहानी है दिल बेचारा। दिल बेचारा जिस टाइम पर आई है तो एक्चुअली में ये फिल्म सुशांत सिंह को एक भावभीनी श्रद्धांजलि है। दिल बेचारा पर मैं किसी तरह का कमेंट नहीं करूंगा, बस यही कहूंगा कि सुशांत एक सुपरस्टार थे और हमेशा रहेंगे। उनकी पहली फिल्म कायपोचे से लेकर दिल बेचारा तक सारी फिल्में देखी हैं और उन्होंने जिस तरह के किरदार फिल्मों में निभाए हैं उनमें से ज्यादातर कभी हार ना मानने वाले ही थे, फिर चाहे कायपोचे हो या फिर MS धोनी हो या फिर सोन चिरैया हो। उन्होंने हर फिल्म में अपना बेस्ट दिया है और यहाँ भी वो अपना बेस्ट देकर ही गए हैं। दिल बेचारा को सुशांत सिंह और संजना सांघी के बेहतरीन केमिस्ट्री और सुशांत को ट्रिब्यूट देने के लिए जरूर देखें। अलविदा सुशांत।